जय श्री राम। मैं आयुष सिंह बिस्ट। आप सबने अब तक हैदराबाद के ओवैसी का वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें हैदराबाद का ओवैसी देश के जवानों के साथ साथ देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये याद दिलाते हुए नजर आ रहा है कि जब मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा हिंदुओं तुमको। हमको सब याद है, हम कुछ नहीं भूले। आज मैं देश के 100 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को भले लाइक मत करिएगा लेकिन शेयर इतना करिएगा कि 2022 से पहले हर हिंदू को ये पता चल जाए कि मोदी जी योगी जी कितने जरूरी हैं तुम्हारे लिए और अपना एक वोट तुम्हें किसको देना है। आज हैदराबाद के ओवैसी ने खुद अपने आप बता दिया। देखिए इस वीडियो को। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। सुना आप सबने किस तरीके से हैदराबाद को वैसी 100 करोड़ हिंदुओं के साथ साथ देश के जवान को भी यह चुनौती दे रहा है कि आज वक्त की मार है इस वजह से चुप है, लेकिन जब वक्त अपने हाथ में आएगा उस दिन बता देंगे और तुम्हें कौन बचाएगा हिंदू जब मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे। आज मैं 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से हैदराबाद के ओवैसी को एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जब मोदी जी नहीं थे तब भी हम थे, और जब योगी जी नहीं थे तब भी हम थे, और जब तुम्हारे नजायज बाप इस देश में थे तब भी हम थे। जो मिटाने से ना मिटे वो हिंदू है, और कब्र खोद दी अरबियों से लेकर मुगलों तक की, अब तुम हमें समझाओगे कि हमें कौन बचाएगा। अरे तुम तो कुछ सालों की बात कर रहे हो, हजारों साल का नहीं भूले हम, हजारों साल का। और किन के बच्चों को ललकार रहे हो, उनके बच्चों को जो युद्ध से लड़ने से पहले अपने ही खून से तलवार को तिलक लगाते हैं।